और शिक्षक शिक्षिकागण और इस सालाना पर प्रोग्राम में सभी गार्जियन पाकिजा माताओं बहनों और इस पंचायत के आपके लोकप्रिय मुखिया प्रवेश साहब इसका कार्यक्रम को बड़े अच्छे अंदाज से अंजाम दे रहे मोहम्मद असीम साहब पार्टी के बड़े नेता हैं और मैं सबसे पहले नदवी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं जो साल भर में इन्होंने बच्चे के लिए किया। आप लोग देखा होगा अभी प्रवेश से आप कह रहे थे ये गांव की तरक्की के बगैर देश की तरक्की नहीं हो सकती। दूसरी बात आज अगर आप तालीम अगर बच्चों को नहीं देते हैं खास करके मैं मां बहनों को कहना चाहता हूं बेटा अगर पढ़ता है तो अकेला पढ़ता है। मैं अगर पढ़ा हूं अकेला पढ़ा और उस पर हमारे बाप मां निछावर कर देते हैं भूखा भी रह करके बच्चे को पढ़ाते हैं लेकिन एक बात आप यहां से अजम लेकर के जाए अगर बच्ची पढ़ती है तो पूरा समाज और मां को मां हो और जिसने मां का कद्र नहीं किया वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। ये कहना चाहते आज तालीम अगर हमारे समाज में अगर आए तो मैं दावे के साथ कहता हूं भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। जमहूरियत में आजादी के 70 सालों में हम अपने इंतखाब का वजन ही नहीं समझा दाम ही नहीं समझा। हम नौजवानों को गोज गुजार करना चाहता हूं आज जिस नौजवान को आईएस आईपीएस बनना था हमारे टैलेंट की कमी नहीं है। हमारा जो बिहार है जरखेज बिहार और मैं हरिया के लोगों को क्या कहूंगा हम लोग जब सुदूर एरिया से अररिया आते थे हरिया तो शहर में लेकिन शहर की शक्ल को आप बदलने का काम नहीं किया। अररिया तो हरिया में होना चाहिए ये मैं कहना चाहता हूं। कहां भूल चूक हुई है हम आप दूसरे को कहते हैं लेकिन हर आदमी जितने लोग यहां बैठे हुए हैं हर अपने आप को ठाके हम क्या है हम जो चाय की दुकान में चौक चौराहे पर बैठकर जितना बुराइयां करते हैं अगर अच्छी बातों में बदल जाएंगे तो समाज बदल जाएगा। यहां तो बड़े बड़े स्कॉलर हैं बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं समझना होगा आप आजादी से पहले कहां थे आजादी के बाद कहां है। एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं आपका हिस्सा सियासत का नहीं होगा तो ये जमहूरियत में कभी तीन तलाक होगा कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा और आजाद भारत में हमारे पुरखों ने हमारे लोगों ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को तोड़ना चाहता है।
हम कहते हैं कि हमको क्या मिला। अरे आपकी वोट में वो ताकत है कि देश को बदल देगा, ये समझना होगा। जिस दिन इस बात को आप समझ लेंगे तो मैं समझता हूं हमारी गरीबी भी जाएगी, हमारा जो रोजगार छीना जा रहा है, जो हमारे जो एक्सपेक्टर है देश में जो बेचा जा रहा है, आपके पुरखों के पुरुषों के खून पसीने से ये संस्था बना था। हम तो एक बात कहेंगे, हमारी तालीम की कमी के वजह से, अभी मैं एक डेटी में था और नदवी साहब ऐसे ही दिया था, मैं इसका हौसला बढ़ाने आया, मैं कुछ तो दे नहीं सकता, जब वक्त आएगा सब कुछ करेंगे, ये कहना चाहते। और आप अपने को समझाए, हम कहना चाहते हैं हरिया वाले को, सब लोग अपना कमाता है और खाता है, लेकिन आने वाला कल को, आने वाले कल हमारा जो नस्ल है, जो हमारी खूबसूरत भाईचारा है, वो खतरे में कब तक तो होए, अपनी पहचान बनावे, यही हम गुजारिश करने आए हैं। और इस एकेडमी को पढ़ेगा आपका बच्चा, समाज बदलेगा। हम मां बहनों को कहना चाहते हैं, आज मैं अपनी बेटियों को कहना चाहता हूं कि आप नेट खोल के दो, यूपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, हमारी बेटी 1-10 आ रही है, 90% 98% पर कमी नहीं है हमारी बच्ची में, बच्चों में। ये बिहार की जमीन ऊर्जा जमीन है, उपजाऊ जमीन है, यहाँ के लोग टैलेंट, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम बेरोजगारी में, हम समय को गवाए हुए, हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। पहचानना होगा, हम वलवाओं के वजह से, हम वलवाओं को भी कहना चाहते हैं, आपके फैसले से समाज बदलेगा, आपके फैसले से समाज बेहतर होगा, ये कहना चाहते। इन्हीं बातों के साथ हम ज्यादा बच्चों के आपके बीच दीवार नहीं बनना चाहते हैं, आपकी बेपनाह मोहब्बत 400 किलोमीटर के बाद पहुंचाया है। और मैं उस बाप का बेटा हूं, एक बात कहना चाहता हूं मरहूम को, इस हरियाबाड़ा से मैं खैर अकीदत पेश करना चाहता हूं। उन्होंने जब संघर्ष किया था, पथरीली जमीन थी, सियासत को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो हमेशा आप लोगों की दुआ से लड़ते लड़ते सीमांचल के विकास के लिए, सीमांचल के तरक्की के लिए, सीमांचल के चौमुखी विकास के लिए लड़ते लड़ते इस दुनिया से गए। एक बात और कहना चाहता हूं, उसी तूफ़ैल में कम उम्र में आप लोगों की दुआ हुआ तो मैंने भी लोकसभा जाने का काम किया, सिर्फ 4 दिन लोकसभा में रहा। आज भी परवेज बाबू का जो एमएलए है, एमपी है, 2000 किलोमीटर सड़कें दिया, 1800 पुल दिया, एनएचआई दिया, रेल का 100% पैसा दिया, ये कहना चाहते हैं। आजादी के 56 सालों में आपकी पहचान को धूमिल किया, जब जोकी के लोगों ने एमएलए बनाया, आप लोगों का रिश्तेदार है, वहां के लोगों का सर झुकने नहीं दिया, चौमुखी विकास करने का, विकास तो आदमी करता है ना, सरकार नहीं करती है। मैं रोज बोलता हूं, अगर आपका बेटा या आपका आपका परवेज अगर चाहेगा गली कूचा बाकी देखते चलता। और एक बात और कहना चाहते हैं, जमहूरियत में ये कहना चाहते हैं, अगर आपका प्रतिनिधि, आपका प्रतिनिधि अगर रोड मैप है तो आपका विकास हो जाएगा, कोई सरकार
कोई सरकार। और जब फेल हुआ होगा तो भाई तो वो तो पहरे छूने में सलामी करने में वो 5 साल गुजार देगा। ये कहना चाहता व्यक्ति काम करता। आज इसने हिम्मत किया है नदवी साहब, मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और तमाम लोगों को मैं सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ बहुत 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 शुक्रिया। एक हम चाहते हैं कि मैं एक ही लाइन कहूंगा, शिक्षा के बगैर न कहो कहो न देश तरक्की करे। शिक्षा जरूरत दीनी काम हो, दुनियाई काम हो, कोई भी काम शिक्षा के बगैर कुछ संभव नहीं। तरक्की भी वैसे सर आप सीमांचल के जो अभी सीमांचल के विषय में क्या? देखिए मैं तो मुबारकबाद प्राइवेट संस्था को देना चाहता हूँ कि उन्होंने सुदूर गाँव में कस्बों में चला करके जो जागरूकता किया। मैं तमाम प्राइवेट स्कूलों को संस्था को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। सरकार भी बहुत तेजी से अच्छे अच्छे शिक्षा को सरकार उनका मिलन हमारी ज्यादा ताकत जमाए आदमी बहुत बहुत हेलो हेलो जनाब हाजी याकूब अमीन साहब आपके मंच पर आ जाएं और स्कूल की ओर से साफिल हुदा साहब आपके मंच पर आ जाएं, ग्रुप फोटो भी हो जाए।